नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। इधर अहमदाबाद में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह बने डीएम गाजियाबाद, शैलेंद्र सिंह बने डीएम मुरादाबाद। अब मुरादाबाद के नए जिलाधिकारी बने शैलेंद्र सिंह। इधर मुरादाबाद के कोतवाली बिलारी का इलाके के सियाली गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव में ही रहने वाले असलम के 3 दिन से लापता 12 साल के बेटे गौसम आलम का शव गांव के पास ही बने कब्रिस्तान के पास सूखी झाड़ियों में मिला। बच्चे का शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची बिलारी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने इस मामले में जांच की शुरू। इधर समाज सेवी पवन कोहली की सूचना पर पहुंचे पशुधन प्रचार अधिकारी, समय पर उपचार देकर बचाई गाय की जान। बिलारी तहसील के गांव खंडवा में बीमार अवस्था में गाय मिली जो कि बीमारी के कारण बहुत कमजोर स्थिति में हो गई थी और कमजोरी के कारण गांव के ही रास्ते पर गिर पड़ी। इसी गांव के निवासी समाज सेवी और पत्रकार पवन कोहली को जब गाय की दयनीय स्थिति की सूचना मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे और गाय को चारा पानी की व्यवस्था की। पवन कोहली ने गाय की गंभीर स्थिति को देखते हुए विकासखंड बिलारी के पशु चिकित्सालय के चिकित्सकों को फोन द्वारा सूचना दी। सूचना मिलते ही तुरंत मुनिंदर सिंह, पशुधन प्रचार अधिकारी कैलाश चंद्र, सुरेश कुमार, सेंकी चौधरी आदि गांव पहुंचे। मुनिंदर सिंह गाय का उपचार किया। गाय के कान में टैग लगा हुआ है। कान में लगे टैग के द्वारा पता लगाने पर जानकारी प्राप्त हुई कि यह गाय पड़ोस के गाँव कुबरी मानक की है, एक किसान की है जिसने इसको आवारा छोड़ दिया है। जबकि शासन द्वारा आदेश है कि कोई भी किसान अपने पालतू गोवंश को आवारा नहीं छोड़ेगा। यदि कोई किसान पालतू गोवंश आवारा छोड़ता है तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किसान गाय दूध लेने के बाद गाय को दूध ना देने की स्थिति में आवारा छोड़ देते हैं। इधर बिलारी में बैंक्वेट हॉल व ढाबों द्वारा गंदगी करने को लेकर एसडीएम बिलारी ने भेजा नोटिस। उपजिलाधिकारी बिलारी प्रबुद्ध सिंह द्वारा नगर के मुरदवा रोड स्थित चौधरी ढाबा, अनिल फार्म हाउस, भाईजी रिसोर्ट, मुखिया जी का ढाबा, सम्राट फार्म हाउस आदि के संचालकों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है कि इन प्रतिष्ठानों से निकलने वाला कूड़ा हाईवे किनारे डाल दिया जाता है जिससे वह सड़ने से बहुत दुर्गंध आती है, जिससे राहगीरों को निकलने में भी काफ़ी परेशानी होती है तथा कूड़े की वजह से बीमारियां भी फैल सकती हैं। इसलिए आप सभी कूड़े डालने का कोई स्थायी व्यवस्था करें, अन्यथा उत्तर प्रदेश पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत अर्थदंड के साथ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इधर कोरोना संक्रमण के बचाव को घर घर कराया सैनिटाइजर। बिलारी तहसील के गांव बुरहनपुर नरौली के नव निर्वाचित ग्राम प्रधान ठाकुर नरेंद्र सिंह ने अपने निजी स्रोतों से पूरे गांव को सैनिटाइजर कराया तथा गांव में भ्रमण कर जल निकासी की व्यवस्था तथा साफ सफाई को देखा। साथ ही सफाई कर्मी को हिदायत भी दी कि कोरोना महामारी के चलते नालियों व सड़कों की सफाई की जाए, उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता व ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर बिलारी में हर्षनगर मोहल्ले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की ओर से स्वस्थ रहने के लिए किया गया देसी काढ़े की दवाई का वितरण, जिसमें संघ की टीम ने कहा कि यह वितरण पूरे देश के हर शहर में किया जाएगा। बिलारी के नगर कार्यवाह दिनेश चौधरी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि यह देसी काढ़े की दवाई शरीर को फिट रखेगी और बीमारियों को दूर भगाएगी। इस अवसर पर संघ की टीम में नगर कार्यवाह दिनेश चौधरी, नगर प्रचार प्रमुख सुबोध जी, प्रांजल जी, दिग्विजय जी, संजय राणा, अभिलाष, डॉक्टर मेघपाल सिंह, बद्री प्रसाद, अतुल जी आदि लोग उपस्थित रहे। ये अपना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ देहात मुरादाबाद जिला की तरफ से अपने बिलारी नगर में अपने कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ में मिलकर सेवा भारती के द्वारा जो भी अपने ये काम संघ के माध्यम से चल रहे हैं उसी में एक काम है निशुल्क काढ़ा वितरण का। इस काढ़े को तेज गर्म पानी में हल्का जो सहन कर सकते हो उसमें डाल के पीने से आदमी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ये पूर्णतः बहुत ही शुद्ध काढ़ा है। अन्य बीमारियां जैसे हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, इस तरीके की गले से संबंधित हल्की कोई परेशानी हो उन परेशानियों को दूर करने के लिए इस काढ़े का वितरण राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से बिलारी नगर में ये करा जा रहा है, जिसे हम लोग बस्ती वाइज करने का
प्रयास कर रहे हैं। आज हमने इस बस्ती को चुना है, ये बस्ती है अपनी हर्षनगर, जिसमें हमने घर घर काढ़ा वितरण करने का लक्ष्य रखा है। इस प्रकार से एक एक बस्ती करके हम प्रत्येक बस्ती में अपना ये जो काढ़े का वितरण है इसे करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे सभी लोग स्वस्थ रहें, परेशानियों से दूर रहें। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है अजीत अग्रवाल का परिवार। शहर के रामगंगा विहार कॉलोनी में रहने वाले अजीत अग्रवाल ने अपने घर पर लगा रखे हैं 1000 से अधिक पौधे, करते हैं उनकी सेवा। अजीत अग्रवाल ने कहा कि अपने जीवन में अवश्य पेड़ लगाएं, पेड़ पर्यावरण को मिलेगा बढ़ावा तो होंगी बीमारियां दूर। इधर मोरवाद के सभी सरकारी अस्पतालों में बड़े स्तर पर किया जा रहा है वैक्सीनेशन का कार्य। 44 वर्ष आयु के व्यक्तियों को नहीं कराना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर कराएं वैक्सीनेशन। मोरवाद महानगरवासी भारी संख्या में पहुंचकर करा रहे हैं टीकाकरण, सभी को दे रहे हैं संदेश। इधर मोरवाद के मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने डिलारी के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बच्चों को उपस्थिति रजिस्टर चेक करने के साथ किए जा रहे हैं कार्यों की समीक्षा। इधर पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद मोरवाद में शुक्रवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। मोरवाद में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है काम। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने सभी जनपद वासियों से की कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की अपील।